हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, वो देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है एग्ज़ाम में 9 से 10 मार्क्स के आते हैं। मैंने सारा चीज़ लिख दिया है, वो आप लिख लीजिएगा। ओके, अब मैं बताऊँ एक बात, बहुत लोगों को त्रिकोणमिति सुनकर के ही भय लगता है, तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ। मैं ऐसा बताऊँगा कि आप त्रिकोणमिति के साथ खेलना सीख जाइएगा, गारंटी लेता हूँ। बस आप जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे करते जाइए, और जितना भी फॉर्मूला है उसका प्रूफ देंगे और उसको हम अच्छे से बताएंगे कि कैसे उसका प्रूफ हुआ और याद कैसा करना है, ये भी मेथड बताऊँगा। ओके, तो चलिए आइए अब हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति नामक जो शब्द है उसका उपयोग कैसे स्टार्ट हुआ, लोगों के मन में क्या आया कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई। ओके, तो देखिएगा, एक बात समझिएगा, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाता हूँ कि त्रिकोणमिति आया क्यों। ओके, जैसे मान लीजिए आपका घर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर है। ओके, और आपके घर से डी मीटर की दूरी पर, आपके घर से डी मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा खंभा खड़ा है। फिर से, आपका घर यहाँ है, आपके घर से डी मीटर की दूरी पर एक खंभा इतना बड़ा खड़ा है, ठीक है ना। अब ऐसा है कि इस खंभा की ऊंचाई कुछ होगी, तो अभी हम मान लेते हैं इस खंभे की ऊंचाई h है। तो त्रिकोणमिति की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि हम इस खंभा के जो उच्चतम बिंदु है, ये उच्चतम बिंदु होगा ना, ये खंभा का उच्चतम बिंदु ये होगा, इस खंभा के उच्चतम बिंदु को हम ये देख, यहाँ से देख करके बता सकते हैं कि हम इसको कितने डिग्री के एंगल से देख सकते हैं। यानी हम यहाँ से थीटा बता सकते हैं कि यहाँ से हम इस वस्तु को, इस वस्तु जो खंभा है, खंभा का जो उच्चतम बिंदु ये है, इसको हम यहाँ से बता सकते हैं कि हम इतना एंगल से देख रहे हैं। ये बात समझ आई? चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए, यानी कि समझ ये आ रहा है कि हम, और देखिए और इंटरेस्टिंग मैं आपको समझाता हूँ। अब ऐसा है कि मान लीजिए कि अब क्या है, अब थोड़ा सिचुएशन पलट रहा हूँ, वो ये है कि मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आपका एक इतना कुछ दूरी पर एक खंभा दिखाई दे रहा है। ओके, और इस खंभा की हाइट कितना है, एच है, और आपको इस थीटा की वैल्यू पता है। मान लीजिए 30 डिग्री का कोण आज से आप देख रहे हैं इस खंभे के उच्चतम बिंदु को। तो ऐसा हुआ कि अब मेरे से कोई पूछा व्यक्ति कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बताइए कि कितना दूरी पर आप खड़े हैं जिससे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये भी बात हम त्रिकोणमिति की सहायता से बता सकते हैं। तो इस बात का मतलब लिखने से समझ ये आ रहा है कि त्रिकोणमिति इतना इंटरेस्टिंग है कि हम केवल एक जगह पर खड़े होकर के हम यहाँ से किसी दूसरी जगह की दूरी माप सकते हैं, या फिर किसी चीज़ की हाइट माप सकते हैं, या फिर ये भी बता सकते हैं कि कितने डिग्री के एंगल से हम उस चीज़ को देख रहे हैं। तो हुई ना इंटरेस्टिंग बात। तो ये सब बातों को पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 9 में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अभी तो मैंने समझाया आपको कि त्रिकोणमिति आया क्यों। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने एक वर्ड लिखा गया है, आप देख रहे होंगे, ये लिखा गया है ट्रिगोनोमेट्री। ये मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि समय बचेगा, ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा आप लोग बोरिंग फील कीजिएगा, इसलिए मैं शॉर्टेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब देखिएगा, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ये नाम का जो शब्द लिखा गया है, ये शब्द को अगर हम तोड़े वन बाई वन करके तो हम पाएंगे कि ट्राई मिलेगा एक, और जब हम इसको तोड़ेंगे तो एक गोनिया मिलेगा और एक मिलेगा मेट्रॉन। ऐसे में ट्राई का अगर हम हिंदी शब्द लिखें तो इसका मतलब होता है तीन, और गोनिया का अगर हम हिंदी शब्द लिखें तो इसका मतलब होता है कोण, और मेट्रॉन है ना, इसका हम लिखें तो सिंपली हो जाता है मापन। तो इस प्रकार हमने एक बात समझ आई दोस्त, वो ये कि त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, एक बात हम लिखेंगे इधर, आप लिख लीजिएगा, मैं लिखते चलूँगा बोर्ड पर, कॉपी कलम निकाल करके लिखते रहिए, और राइटिंग ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ राइटिंग समझ नहीं आ रहा, और अच्छा से लिखिए। ओके, तो समझ आया, हमने कहा इस प्रकार इस बात से हमें ये समझ आई कि त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है तीन कोणों का माप करना। मतलब कि एक दिया जाएगा कोई भी चीज़ और उसको हम तीन कोणों की माप जिसमें करेंगे उसको क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति। अब इसका डिफिनेशन और आगे बढ़ते हैं आगे की ओर, इतना तब तक आप लोग कॉपी कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा उसके बाद लिखिएगा।
पहला हम यहाँ पर फिर से एक बार लिखते हैं त्रिकोण मिति। चलिए अब अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो सिंपल देखिएगा त्रि, फिर इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक मिलेगा त्रि और एक मिलेगा कोण और एक मिलेगा मिति। मिला कि नहीं मिला? ओके, अब ये त्रि का अर्थ आप समझ ही रहे हैं, तीन होता है, कोण मीन्स कोण और मिति मीन्स मापन। ये बात समझ आया? तो अब फाइनली डिफिनेशन लिखना है आपको त्रिकोणमिति का। तो दोस्त स्टार देकर लिखिए एक क्वेश्चन कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति क्या है ये लिखिए। देखिए कितना मजा आएगा, अब धीरे धीरे मैं नीचे ले जा रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए उसके बाद देखिएगा कमाल। तो पहला लिखिए क्वेश्चन दोस्त त्रिकोणमिति क्या है, और इस बात का आंसर मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप इसको उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है? ओके, हमने डिफिनेशन लिख दिया, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर या स्क्रीनशॉट कर खींच करके। ओके, क्वेश्चन क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है त्रिकोणमिति क्या है और उसका आंसर क्या है। तो सिंपल, अभी अभी मैंने समझाया, त्रि का अर्थ होता है तीन, मिति का अर्थ होता है मापा माप, और इसको ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए, और इस प्रकार त्रिकोणमिति का अर्थ तीन कोणों का माप होता है। ये बात समझ आई? अब सवाल है आगे, अब सुनिएगा ध्यान से दोस्त, अब बार बार हम कह रहे तीन कोण की माप, तीन कोण की माप, ये तीन कोण होता किस चीज़ में है? तो मैं बताऊँ आपको, ये जो तीन कोण है वह एक त्रिभुज में होता है, ये बात आपको पता है ना? यानी हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं दोस्त, हम जानते हैं एक बात कि तीन कोण किसी एक त्रिभुज में होता है, ठीक है ना? देखिए तीन कोण किसी एक त्रिभुज में होता है, इस कारण से जब जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो एक त्रिभुज लेंगे। अब आगे, अब हम इस त्रिभुज में भी एक विशेष प्रकार के त्रिभुज लेंगे, उसका नाम होगा समकोण त्रिभुज। क्या नाम होगा? समकोण त्रिभुज। बात समझ आई? फिर से हमने कहा, ध्यान समझिएगा, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए एक त्रिभुज लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें तीन कोण होता है, एक दो तीन, और उस त्रिभुज में भी हम एक विशेष प्रकार के त्रिभुज लेंगे जिसका नाम होगा समकोण त्रिभुज, ठीक है ना? बात समझ आई? अब पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए, ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं लिख देता हूँ और आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना, या फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ओके, आपके लिए, केवल आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बोर्ड पर आज तक कभी किसी ने पढ़ाया नहीं है लिख लिख करके, क्योंकि समझ ही रहे हैं, तो मैंने लिख दिया, क्यों? क्योंकि आप अच्छे से पढ़े, बस मेरा एक ही मोटो है, आप पढ़ जाए बस। अब देखिएगा ध्यान से दोस्त, कैसे लिखना है, अभी अभी तुरंत जो बात समझाई है हमने उसी बात को लिखा है। क्या लिखा? हम जानते हैं कि तीन कोण एक त्रिभुज में होता है, इसलिए त्रिकोणमिति का अध्ययन त्रिभुज द्वारा किया जाता है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, साधारणतः त्रिकोणमिति के अध्ययन के लिए समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। ये बात समझ आई? यानी जब जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज लेकर के पढ़ेंगे। अच्छा, अब बहुत लोग का डाउट यहाँ पर आता है, मैं डाउट क्लियर करता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटाऊँ या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ओके, बहुत लोगों को डाउट आता है कि क्या हम और कोई त्रिभुज नहीं ले सकते हैं क्या? तो आंसर है ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी समकोण बन जाएगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यह एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, तो मेरे को इसको क्या बनाना है? समकोण। लेकिन हाँ, इतना याद रखिएगा, आप चाहे कोई भी त्रिभुज लीजिए लेकिन उसको समकोण बनाना ही बनाना है। ओके, तो मैंने इसको समकोण बना लिया, हो गया समकोण, अब हो जाएगा काम। तो मतलब ये हुआ कि हमें समकोण त्रिभुज चाहिए ही चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि ठीक है, आपने कह दिया सर कि समकोण त्रिभुज चाहिए, तो अब हमें पता ही नहीं है कि समकोण क्या है, तो इस कारण से अब अगला स्टार देकर लिखिए समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, क्वेश्चन लिखिए समकोण त्रिभुज क्या है, अब इसका आंसर। तो सिंपल मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है इस तरीके का, ठीक है ना, इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे आपका भी नाम होगा ना, इसका नामकरण कर दिया ए बी सी। अब अगर नापिएगा चांद से तो क्या होगा कि इसको जब हम रखेंगे तो पता चलेगा कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बना है वो 90 डिग्री का है। समझ आई बात? कितना कोण है? 90 डिग्री का है।
तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। चलिए मैं इस बात को पहले लिख देता हूँ और आप लोग उसे कॉपी कर लीजिएगा। सिंपल, लिखना स्टार्ट करिए, मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। ओके, हमने दोस्त समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन लिख लिया, आप इसको लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बात, ओके। जैसे ये फिगर बना लीजिएगा लिख करके, अर्थात उसके बाद ये फिगर बना लीजिएगा। अब लिखिए दोस्त पैराग्राफ चेंज करके और लिखिए। अब मैं पहले समझाता हूँ फिर लिखवाऊंगा। ओके, क्या है कि आप देख रहे होंगे कि इस वाले त्रिभुज में कोई एक जो भुजा है वो जो सबसे बड़ी है, दिखाई दे रहा है ना, ये सबसे बड़ी है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की वो कर्ण होती है, कर्ण कहलाती है। मतलब क्या समझ आया कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है। ये बात समझ आई, चलिए ओके। ये मैं तुरंत लिखवाता हूँ, पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुतों को समझ नहीं आता है, लेकिन आप देखिएगा कितना क्लियर होगा। ओके, जैसे ये मान लेते हैं अगेन एक समकोण त्रिभुज है, नाम दे दिया ए बी सी, इसको कह दिया 90 डिग्री। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए दो केस बनाएंगे। केस फर्स्ट है ये दोस्त, केस फर्स्ट में क्या होता है देखिएगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जो थीटा बना वो यहाँ पर बना। ओके, तो आज के बाद याद रखिएगा, अभी हमने बताया कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। इसको पहचानने का और एक ट्रिक है कि जो समकोण त्रिभुज है ये दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये बात समझ आई, चलिए अब याद रखिएगा आगे। आप देख रहे होंगे दोस्त कि यहाँ पर कोण थीटा बना है, तो ऐसे में इस थीटा के जो सामने वाली भुजा है यानी थीटा के सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगा। बात समझ आया। अब देखिए, एक लाइफ में एक बात याद रखिएगा, तीन चीज होता है एक समकोण त्रिभुज में, लंब, कर्ण और आधार। तो देखिए, कर्ण पता चला गया, लंब पता हो गया, तो बचा क्या, आधार। तो जो बच जाए उसको आधार आज के बाद कह दीजिएगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। चलिए फिर से रिपीट, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, जो बच जाए आधार। ओके, केस टू में याद रखिएगा दोस्त, फिर से हमने इसी त्रिभुज को बनाया ए बी सी, अगेन यहाँ 90 डिग्री का बनेगा। अब स्थिति ऐसी है कि जो थीटा बना है वो यहाँ पर बना है। ओके, अब जब थीटा यहाँ बना है तो हम किसको क्या कहेंगे, आप समझिएगा। अगेन देखिए, कर्ण कभी चेंज होगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी लिखवाया समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। चलिए अब देखिएगा सिंपल, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहला गई। ओके, ये थीटा दिखाई दे रहा है, थीटा है, अभी थीटा के सामने वाली भुजा कौन है दोस्त, ये वाला है, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, एनी प्रॉब्लम नहीं। चलिए बहुत अच्छा बात, जो बच जाए बोलिए, आप बोलिए, जो बच जाए आधार। चलिए सिंपल, ये बच गया, इसको हम क्या बोल देंगे, आधार। काम बन गया, कितना आसान काम था, और इसी को प्रॉब्लम होता है बहुतों लोग को। चलिए अब मैं लिखता हूँ इधर, जो बात समझिएगा, इसी बात को मैं हिंदी में इधर लिखता हूँ और कॉपी में नोट करना है, पहले इसे और फिर इसको लिखना है, पहले इसको लिखना है फिर इसे लिखना है। मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से समझिएगा और लिखिएगा, मैं वही बात लिखूंगा जो बताया ना, थीटा के सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण, ये सब लिखूंगा हिंदी में ताकि पढ़ने में इजी हो जाए, क्योंकि आपका हर एक काम इजी करना है मुझे। चलिए लिखते हैं। चलिए दोस्त, मैंने इसको डिफिनेशन लिख दिया, आप सुनिएगा ध्यान से क्या कहना है, इसको बात ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है। वो ये
कि जिस भुजा पर, देखिए जो मैं समझाया हूँ उसी बात को लिखवा दिया ताकि आपको लिखने में मजा आए। देखिए बोल बोल कर लिखवाऊंगा तो आप लोग अटक जाएंगे, इस कारण से मैंने लिख देता हूँ ताकि आप लोग इजी हो जाए आपके लिए। चलिए सुनिएगा, जिस भुजा पर कोण स्थित होता है, देखिए इस वाले भुजा पर यहाँ पर कोण स्थित है, तो कोण के सामने वाली भुजा, तो उसके सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ओके, और शेष बची हुई भुजा आधार कहलाती है। तो ये हो गया आधार। और ये भी बात पता है, नोट में अभी लिखवाया कि ये नोट करके लिख ही लीजिए, नहीं तो आगे भूल जाएंगे पता नहीं। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा हमेशा कर्ण कहलाती है। हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं दोस्त, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। हमेशा वर्ड लगाया है, याद रखिएगा, हमेशा, लाइफ टाइम, ये बात सही है। ओके, आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसको अब रफ करता हूं। ओके चलिए दोस्त, अब जो बताने जा रहा हूं वो आप, पता है एक बात बताऊं, दुनिया में नहीं बोल सकते बट गहनी में मैं बोल सकता हूँ जरूर, किसी से भी पूछ लीजिएगा कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6वीं क्यों होता है, तो बहुत लोग इसका जो आंसर है, इसका जो जवाब है, वो देने में थोड़ा हिचकिचाएंगे कि ये कैसे हो गया, बोलेंगे कि 6 होता है तो होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ के पीछे लॉजिक होता है ना कि। तो बस मैं वही बताने जा रहा हूँ कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6वीं क्यों होता है। चलिए तो पहले क्वेश्चन लिखिए दोस्त, त्रिकोण मितीय अनुपात 6 क्यों होता है, ये रहा आपका क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 क्यों होता है। ओके चलिए अब हम इसका आंसर ढूंढते हैं, इसका आंसर बताएंगे लिखेंगे, उससे पहले मैं जो समझा रहा हूं उसको अच्छा से समझिएगा। देखिए मान लीजिए कोई भी तीन राशि है, तीन राशि मतलब जैसे ए बी सी, ठीक है, ओके, ए बी सी नाम की तीन राशियां हैं। अब मैंने कहा दोस्त कि इसको अनुपात के रूप में कितने तरह से लिखा जा सकता है, इसको अनुपात के रूप में कितने तरह से लिखा जा सकता है, तो आपका जवाब आएगा सर कि हमने इसको ए बाई बी लिख सकते हैं, कॉमा बी बाई सी लिख सकते हैं। देखिए ए बाई बी, बी बाई, एक बार बी बाई सी और एक बार ए बाई सी, ये लिख सकते हैं। और आंसर दे सकते हैं कि हाँ एक और तरीका से लिख सकता हूँ, इसको उलट दूँ तो, है ना, तो यानी बी ऊपर ए नीचे, सी ऊपर बी नीचे, सी ऊपर ए नीचे। अब आप सोचिए और बताइए क्या इसके अलावे क्या कोई और अनुपात संभव है तीन राशि से, तो आंसर है नो। आप सोच करके देखिएगा, कभी संभव ही नहीं है कि इससे ज़्यादा होगा ही नहीं, तो इस कारण से अब देखिएगा आप कितना मजा आएगा, उछल उठिएगा, क्योंकि आपको पता है जैसे मान लीजिए 90 डिग्री का है, ओके 90 डिग्री इधर बनाते, इधर इधर इधर, चलिए 90 डिग्री का है, इसका नाम ए बी सी है, और अभी अभी हमने बताया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। और लाइफ टाइम दोस्त एक बात याद रखिएगा, मैं आगे लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, इसको हम एस से सूचित करेंगे, और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए थीटा यहां बना, तो सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, तो लंब को हम आगे पी से सूचित करेंगे, सब लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, जो बच जाए आधार। और ये भी बता दूं मैं दोस्त, आधार को हम बी से सूचित करेंगे। अब आगे अब सुनिएगा, तो यहाँ पर हमें ये बात समझ आ रहा है कि इस त्रिभुज में तीन ही राशि मिली, पहला एच पी और बी, एच पी और बी। अब जब इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो मैक्सिमम 6 प्रकार से ही लिखा जा सकता है, तो दिस इज द मेन रीजन, यही कारण है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6वीं क्यों होता है, 7 क्यों नहीं होता है, बात समझ आई। चलिए अब हम इसका जवाब लिखवा देते, मैंने इसका आंसर लिख दिया कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही क्यों होता है, तो जो मैंने समझाया उसका आंसर लिखा है, तो एक बात रिपीट कर देते हैं, बहुतों लोगों को राइटिंग में प्रॉब्लम होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिनको राइटिंग में प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कल से और साफ लिखिए, तो मैं कल से साफ और लिखूंगा। ओके सुनिएगा ध्यान से, हम जानते हैं कि किसी तीन राशि से 6 अनुपात ही संभव होता है, दैट इज, इसको पढ़ेंगे दोस्त, दैट इज और अर्थार्थ हिंदी में, तो यानी कि ये बात अभी भी बताया।
अब ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, है ना। तो हमने कह दिया और समकोण त्रिभुज में तीन ही भुजा होता है कि नहीं, देखिए एक दो तीन भुजा है और तीन भुजा से छवि अनुपात संभव है कि नहीं है। इस कारण से त्रिकोणमितीय अनुपात छ होता है। ये बात समझ आई, कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा सर अब नहीं है तो अब आगे अब हम सीखेंगे, ध्यान से समझिएगा, अब आज के लिए इतना ही रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे दोस्त कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ सीखेंगे। तो अभी इतना अच्छा से उतार लीजिए और इसको घर पर अच्छा से पढ़िए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये समझ आया होगा तभी नेक्स्ट वीडियो में आया होगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अगर समझ आया है तो यस, नहीं समझ आया तो नो, तो मैं और कुछ उपाय बताऊंगा कि क्या करना पड़ेगा आगे। और बात लास्ट कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में सिलेबस सभी का पीछा है, उस सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए मैंने ये उपाय अपनाया है। तो आप सभी दोस्तों को सहायता करिए और चैनल पर नए आए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति का नोट्स तैयार करवाऊंगा इसी प्रकार से लिख क्लिक करके, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके तो आज के लिए अभी इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।